हेलो डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब सो एज़ प्रोस्ड हम आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और मैं आपको मतलब ये जो क्वेश्चंस देने जा रही हूँ ये क्वेश्चंस आपको बड़े बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं फोर मार्क्स बायोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ब्रीफ क्वेश्चन होते हैं मैं वो क्वेश्चन आपको देने वाली हूँ ठीक है स्मॉल क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको हर चैप्टर के करने हैं ठीक है सुनो इधर पे ध्यान से वन मार्क क्वेश्चन एंड टू मार्क क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं सारे चैप्टर के टेक्सुअल ओके इसके अलावा जो कंपलसरी करना है वो है ऑल डिस्टिंग्विश बिटवीन आपके पूरे सिलेबस में जितने डिस्टिंग्विश बिटवीन है वो सारे के सारे आपको करने हैं ठीक है ठीके? जितने भी डिस्टिंग्विश बिटवीन है वो सारे के सारे आपको करने हैं देखो हम टैली करते जाएंगे कि कितने डिस्टिंग्विश बिटवीन हैं टोटल और उतने सारे डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको कंपलसरी करने हैं इसके अलावा कौन से क्वेश्चन के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है वो मैं आपको बताती हूँ ठीक है तो सबसे पहले चैप्टर वन के साथ करते हैं स्टार्ट चैप्टर वन के जो डायग्राम्स हैं इंपॉर्टेंट डायग्राम्स वो तो मैंने आपको बता ही दिए हैं देखो आपको अगर ऐसा कन्फ्यूजन है कि मैम क्या करें क्या ना करें हमारा सब पढ़ के हो गया है पर कुछ याद नहीं रहता है तो ये एक ऑप्शन चीज मैं बताने जा रही हूँ यहाँ पर जो आपके टेक्स्ट बुक के कलरफुल बॉक्सेस होते हैं ऑल बॉक्सेस आपके टेक्स्ट बुक में जो जितने भी कलरफुल बॉक्सेस होते हैं ऑरेंज बॉक्स येलो बॉक्स ये सारे के सारे बॉक्सेस आप कर सकते हैं क्योंकि इसमें से आपको वन मार्क के क्वेश्चन आते हैं और इसमें से आपको एमसीक्यू आते हैं सो so अगर इतना आप कर लोगे तो मतलब मुझे ऐसे खुशी होगी मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी कि चलो कम से कम जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बच्चों ने कर ली तो वन मार्क क्वेश्चन और एमसीक्यूज आपको जो डू यू नो ऑलवेज रिमेम्बर इंटरनेट माय फ्रेंड बॉक्सेस से आते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको बायो के करने ही हैं और इसके जो एक्सप्लेनेशन है उसकी सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं जनवरी से जहां पर हम आपको चैप्टर वाइज जो इंटरनेट माय फ्रेंड और डू यू रिमेंबर और ऑलवेज़ ये ऑलवेज रिमेंबर वाले जो बॉक्सेस होते हैं उसका एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट बुक के पीछे के एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन ये सब हम अपनी चैनल पर स्टार्ट करने वाले हैं वन शॉर्ट सीरीज पंद्रह जनवरी से स्टार्ट होने वाला है फिर मॉडल पेपर सोल्यूशन भी सॉल्व करेंगे सो so आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखो एक एक करके आपको सारे के सारे सीरीज़ हम प्रोवाइड करने वाले हैं ठीक है

एज वेल एज सीई के लिए सिर्फ नॉन डिलीटेड पार्ट पर ही फोकस करो जैसे कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे अनाउंसमेंट होगी हम डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म करेंगे अब देखो क्वेश्चन नंबर थ्री जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन तो इनमें से भी आपको आधे से ज्यादा क्वेश्चन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है इसमें से यह फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें से यह फोर्थ क्वेश्चन छोड़ना मत दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में सो अगर आप देखोगे तो आपको ओवरऑल पूरे टॉपिक्स में से एक एक क्वेश्चन दिया गया है सो so, इसका डबल फर्टिलाइजेशन वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है माइक्रोस्ट का भी इंपॉर्टेंट है डायकॉट एम्ब्रियो अगर आपको कंफ्यूजिंग लगता है तो आप इसको ऑप्शन में रख सकते हैं बाकी ये तीनों क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर थ्री को आप ऑप्शन में रख सकते हैं बाकी क्वेश्चन करने पड़ेंगे और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम वाला क्वेश्चन और इसके साथ साथ ऐसे लेबलिंग वाले क्वेश्चन आते हैं ना इसको कभी भी ऑप्शन में नहीं छोड़ने का लेबलिंग हो गया मैच द कॉलम हो गया दो मार्क्स के लिए आता ही आता है सो so ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है ठीक है देखो स्टार्टिंग के एक दो चैप्टर्स ऐसे जिनमें आपको सब कुछ करना है लेकिन बाद बाद के चैप्टर्स में बहुत कुछ डिलीटेड है तो वहां पे मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है अब देखो चैप्टर नंबर टू पे आ जाते हैं ओके ऑल राइट तो चैप्टर नंबर टू में भी आपको ऑब्जेक्टिव सारे करने हैं यानी कि क्यू ये देखो ऑल और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आपको सारे करने हैं इसके अलावा आपका फिलिंद ब्लैंक्स भी आपको सारे करने हैं टेक्स्ट बुक के यहाँ पे देखो ये जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन डिलीटेड है तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको नहीं करना है एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स ये भी नहीं करना है ये भी नहीं करना है आईवीएफ के ऊपर आपका क्वेश्चन आ सकता है कॉन्ट्रोसेप्टिव मेथड के ऊपर आ सकता है ट्यूबेक्टोमी के ऊपर आ सकता है ये भी आ सकता है ये भी आ सकता है सो ऑल दीज क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट ठीक है so, मैंने आपको पहले ही बोला भाई दो तीन चैप्टर्स में से आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा उसमें आपको कोई छूट नहीं मिलेगी हाँ क्वेश्चन नंबर फाइव में देखो क्वेश्चन नंबर फाइव में आपको ये इतना ज्यादा डिटेल में नहीं आएगा तो आप प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रोअल साइकिल डायग्राम अच्छे से कर लो इसका अगर आप डायग्राम अच्छे से कर लोगे तो इसको ऑन वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो बाकी स्टेप्स ऑफ पार्चुरेशन नहीं किया तो भी चलेगा टेस्टिस का डाग... ये ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ओके okay. ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ब्लास्टुला का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 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 हां एक ये कैपेसिटेशन वाला क्वेश्चन एक ये वाला क्वेश्चन देखो आपको अगर बोला फर्टिलाइजेशन तो ह्यूमन फर्टिलाइजेशन है और अगर बोला डबल फर्टिलाइजेशन तो प्लांट फर्टिलाइजेशन आएगा ठीक है ओके, ओके ओके और ये एक क्वेश्चन question, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है फ्रॉम चैप्टर टू ओके मैं आपको बार बार बोल रही हूँ जिनका पूरा सिलेबस पढ़ के हो गया है वो लोग सब कुछ रिवाइज करो जिन्होंने अपनी जिंदगी में बुक नहीं खोली है वो लोग अगर इतने क्वेश्चंस करके जाएंगे तो इट विल बी मोर देन सफिशियंट इन हेरिटेंसन वेरिएशन में से कुछ भी डिलीटेड नहीं है तो इसका भी आपको एक्सरसाइज का वन मार्क क्वेश्चन पूरा करके जाना पड़ेगा ठीक है यस yes, ये देखो ये एम आपको सारे करने हैं ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको सारे करने हैं वेरी शॉर्ट आंसर और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में से भी आपको यस yes, ये भी आपको सारे ही करने पड़ेंगे इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है ओके okay, ये पेडिग्री चार्ट वगैरह ये भी आपको करना है हाँ ये लॉन्ग आंसर में से ना डाई हाइब्रिड क्रॉस का एक एग्जांपल करके रखो डाईहाइब्रिड क्रॉस मतलब इंडिपेंडेंट असॉटमेंट तो ये दोनों सेम है ये दोनों सेम है ठीक है ओके तो एक क्वेश्चन कर लोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है ओके उसके बाद बाकी के क्वेश्चन अगर आपको समझ में आए तो आप कर सकते हैं ये एकदम इमरजेंसी के लिए मैं बोल रही हूं एक ये क्रोमोजोम स्ट्रक्चर वाला इंपॉर्टेंट है और एक ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम्स ये चार क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ओके मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में से भी कुछ भी डिलीटेड नहीं है तो डायरेक्ट इसकी एक्सरसाइज पे जंप करते हैं वीडियो को अगर आपको फास्ट लग रही है तो आप स्लो स्पीड में देखो देखो इसके भी ऑब्जेक्टिव्स आपको सारे करने हैं क्वेश्चन नंबर टू आपको सारा करना है ऑब्जेक्टिव्स में मैं कुछ भी छोड़ने नहीं बोल सकती क्वेश्चन नंबर थ्री भी आपको सारा करना है ठीक है हाँ क्वेश्चन नंबर फोर में देखो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आप ओन वर्ड्स में लिख सकते हो ठीक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो इसमें सिर्फ आपको ईयर याद होना चाहिए ओके ओपन ऑन स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है ये तो बहुत ही सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये भी मत छोड़ना और ये भी मत छोड़ना ठीक है ये मैच द कॉलम इंपॉर्टेंट है यस, yes. अभी ये देखो क्वेश्चन नंबर फाइव में डीएनए एन अगर पूछा तो लिखो नहीं समझ में आता है तो इसको ऑप्शन में छोड़ो ये मत करो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस समझ में आया है तो लिखो नहीं तो इसको ऑप्शन में छोड़ो ट्रांसलेशन प्रोसेस ऑप्शन में छोड़ो लैक ओपेर करके जाओ देखो मैं क्यों बोल रही हूँ ये ऑप्शन में छोड़ने के लिए जिनको ये आता ही नहीं है जिनको समझ में ही नहीं आता है तो आप टाइम मत वेस्ट करो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इसको वेस्ट कर सको सो so, ये तीन क्वेश्चन आप ऑप्शन में छोड़ सकते हैं बाकी ये करके जाओ ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ओके ऑल राइट right. फिर आ जाओ ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ़ लाइफ में अभी इसमें से तो बहुत कुछ डिलीट हो चुका है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ में से एक मिनट हम ज़्यादा ही आगे आगे इसकी एक्सरसाइज पे आ जाओ मैं आपको बता देती हूँ इसके एमसीक्यूज एमसीक्यूज में से जो नॉन डिलीटेड एमसीक्यू हैं सिर्फ उतना ही करो ओके या तो फिर सारे एमसीक्यूज कर लो यार क्या फर्क पड़ता है ठीक है हाँ वेरी शॉर्ट आंसर्स में से देखो आपको कौन से कौन से करके जाने मैंने वैसे तो नॉन डिलीटेड क्वेश्चन पहले भी एक वीडियो डाला था एक बार फिर से बता देती हूँ नॉन डिलीटेड क्वेश्चन कौन से कौन से हैं ओके okay. देखो इसमें आपको क्या करना है इसमें आपको जीन पूल, जीन फ्रीक्वेंसी और पॉपुलेशन ये डेफिनेशन आपको करके जाने हैं फिर उसके बाद फिर उसके बाद क्या करना है आपको क्वेश्चन नंबर थ्री जिसको टिक कर रही हूँ सिर्फ उतने ही क्वेश्चंस करना क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर सेवन और क्वेश्चन नंबर टेन ये क्वेश्चन आपको करने हैं ठीक है फिर उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे यहाँ पे आपको करना है क्वेश्चन नंबर टू ओके और क्वेश्चन नंबर फाइव में से क्वेश्चन नंबर फाइव में से आपको ये थर्ड क्वेश्चन करना है फिफ्थ क्वेश्चन करना है और सिक्स क्वेश्चन करना है ठीक है ऑल राइट right, बस इतने क्वेश्चंस कर लो चैप्टर फाइव से सफिशियंट है चैप्टर सिक्स पे आ जाओ मैं टेक्स्ट बुक में देख लेती हूँ टेक्स्ट बुक खोल के बैठो मेरे साथ ओके चैप्टर सिक्स पे आ जाओ एक्सरसाइज में आ जाओ तो चैप्टर सिक्स की एक्सरसाइज में से बोर्ड में कुछ भी नॉन डिलीटेड पार्ट से नहीं आएगा और आया तो भी ऑप्शन में आप उसको रख सकते हैं फर्स्ट uh, क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर टू जो है इसमें से आपको सिर्फ सिक्स क्वेश्चन करना है ठीक है ओके फिर उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन थ्री में से आपको कुछ भी नहीं करना है क्वेश्चन फोर में से क्वेश्चन थ्री में से कुछ भी नहीं है ना डिलीटेड 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 यस क्वेश्चन फोर में से आपको ये क्वेश्चन करना है वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है बस चैप्टर सिक्स में आ जाओ सब लोग चैप्टर नंबर ओपन करो ओके okay? रुक जाओ यस yes. सब लोग चैप्टर नंबर सेवन ओपन करो चैप्टर नंबर सेवन के एक्सरसाइज ओपन करो जल्दी जल्दी जिनको लग रहा है वीडियो फास्ट है वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखो ओके okay? देखो अगर आप एक्सरसाइज भी करके जाते हो ना तो आपके फिफ्टी फाइव के अबव मार्क्स आएंगे ओके ये सेकेंड क्वेश्चन कर लो इसमें से फोर्थ क्वेश्चन कर लो ये देखो मैं टिक कर देती हूँ ये 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 क्वेश्चन जो टिक कर रही हूँ वही करना है सेवेंथ क्वेश्चन फिर उसके बाद बस चैप्टर सेवन में से इतना ही करना है और हार्मोन्स का डिस्टिंग्विश हार्मोन्स का डिस्टिंग्विश बिटवीन ठीक है अलग अलग हार्मोन्स को डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएट वाला पार्ट आपको करके जाना है ओके ऑल राइट क्वेश्चन थ्री में से भी कुछ नहीं करना है क्वेश्चन फोर में से भी कुछ नहीं करना है सब कुछ डिलीटेड है डायरेक्ट आ जाओ चैप्टर एट पे थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये मैं रिकमेंड करूंगी कि जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा पार्ट करके जाना है इसमें से ओके okay, चैप्टर एट पे आ जाओ हाँ अब इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव सारे करने हैं ये करना है ये करना है ठीक है इसमें कुछ भी ऑप्शन में नहीं छोड़ना है आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर में से आपका ना ये वाला क्वेश्चन डिलीटेड है दिस इज डिलीटेड ये मत करना बाकी आपको सारे करने हैं ओके okay? हाँ गिव साइंटिफिक रीजंस भी आपको सारे करने हैं देखो इसके डिस्टिंग्विश बिटवीन चार हैं तो एट्थ चैप्टर में चार डिस्टिंग्विश बिटवीन दिया गया है ये चार डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको करने हैं इसमें मैं आपको बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं दूंगी सॉरी पांच पांच डिस्टिंग्विश बिटवीन है ठीक है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में से ना ये पांचवा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी सब तो एप्लीकेशन बेस्ड है लेकिन पांचवा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट के तीन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ओके फिर डायरेक्ट आ जाओ चैप्टर नंबर नाइन पे आ जाओ सब लोग चैप्टर नंबर नाइन पे यस yes, आ गए ओके यस अब चैप्टर नंबर नाइन में आपका क्वेश्चन वन एमसीक्यूज आपको सारे करने हैं क्वेश्चन नंबर टू इसमें आपको सब कुछ करना है ये फोर्थ वाला डिलीटेड है क्वेश्चन नंबर थ्री ये आपको पूरा करना है और क्वेश्चन नंबर फोर आपको पूरा करना है ठीक है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड है इसमें से ये सिक्स क्वेश्चन डिलीटेड है सिक्स क्वेश्चन डिलीटेड है तो इसमें से आप ये डिस्टिंग्विश बिटवीन कर लेना ये डिस्टिंग्विश बिटवीन बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है और ये गिव रीजन दीज टू क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट तो देखो नाइन्थ चैप्टर में भी हमने एक डिस्टिंग्विश बिटवीन देखा टोटल सिक्स डिस्टिंग्विश बिटवीन हो गए इसके अलावा प्रॉपर्टीज वगैरह तो ठीक है ये yes, बाकी बाकी हाँ एक ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है ये तो सेकेंड चैप्टर में ही है अपने ठीक है ना फिर ये भी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में से आपका जो ह्यूमन ये देखो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट डिलीटेड है ठीक है ओके okay, हाँ ये देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्री इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फोर्थ इज डिलीटेड क्वेश्चन सिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट येस और क्वेश्चन सेवन भी इंपॉर्टेंट है ठीक है एंड क्वेश्चन इलेवन कुछ भी नहीं किया तो भी ये क्वेश्चन कर लेना फिर टेंथ क्वेश्चन में तो मैं सिर्फ बोलूंगी ऑब्जेक्टिव करके जाओ जो डायग्राम मैंने बोले है, वो डायग्राम करो और सिर्फ ऑब्जेक्टिव करो दैट्स इट हाँ इसके सिर्फ ऑब्जेक्टिव करो क्वेश्चन टेन में ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इसका भी ऑब्जेक्टिव्स पूरा करो क्वेश्चन टू क्वेश्चन थ्री ओके ये डिफ्रेंशिएट बिटवीन करना और ये डिस्टिंग्विश बिटवीन सो चैप्टर टेन में दो डिस्टिंग्विश बिटवीन है और यहाँ पे ये भी एक डिस्टिंग्विश बिटवीन जितना भी डिस्टिंग्विश बिटवीन है ना इसमें से वो सारे के सारे डिफरेंशिएट बिटवीन करके जाओ और 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 ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है ये वाला चलो और दो डिस्टिंग्विश बिटवीन आ गए ब्लैक बाकी कुछ नहीं किया तो भी चलेगा ठीक है चैप्टर टेन में से इतना कर लो बस है फिर चैप्टर इलेवन में आ जाओ चैप्टर इलेवन में बहुत सारी चीजें डिलीटेड हैं ओके okay, तो वो आपको मैं बता देती हूँ कौन सी चीजें आपको नहीं करनी है ओके ऑल राइट सो चैप्टर इलेवन में एमसीक्यूज आप सारे कर लो वन शॉर्ट में से सॉरी uh, ये जो वेरी शॉर्ट आंसर्स होते हैं इसमें से सेवन एट और नाइन डिलीटेड है ये मत करना बाकी सब करना ठीक है बाकी ऊपर के सारे क्वेश्चंस करना फिर क्वेश्चन थ्री में से आपका फाइव सिक्स सेवन डिलीटेड है इसको छोड़ के आपको बाकी सब करना है और क्वेश्चन फोर में से सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन करो बाकी ये सारे के सारे डिलीटेड है ठीक है सो क्वेश्चन चैप्टर इलेवन भी आसानी से हो जाएगा अब आ जाओ चैप्टर ट्वेल्व पे आ जाओ सब लोग चैप्टर ट्वेल्व पे काफी मेहनत लगती है यार पी वाई क्यूज वगैरह ढूंढने में आ गए देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नाम वाली लिस्ट की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखी है आप सर्च करो इंपॉर्टेंट या साइंटिस्ट नेम लिस्ट ज्ञान लैब अंजलि मैम ऐसे सर्च करो आपको जो साइंटिस्ट के नाम वाली वीडियो है वो मिल जाएगी आपको ऑब्जेक्टिव सारे करने हैं वेरी शॉर्ट आंसर सारे करने हैं शॉर्ट आंसर टाइप में से क्वेश्चन नंबर थ्री में से इसमें से यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है और यह आप ओन वर्ड्स में लिख सकते हो ठीक है ओके okay. ये नहीं किया तो भी चलेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखो इसमें डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है आर डी एन ए का प्रोसेस इंपॉर्टेंट है जीन थेरेपी नहीं किया ये भी ये भी चलेगा गिव द स्टेप्स इन पी सी आर दिस इज इंपॉर्टेंट ओके हाँ एंड दिस इज इंपॉर्टेंट बस ठीक है ये चार पांच क्वेश्चन कर लो चैप्टर ट्वेल्व में से चैप्टर थर्टीन में आ जाओ आ गए मैं भी ओपन कर लेती हूँ यस yes. इसमें से भी कुछ भी डिलीटेड नहीं है ठीक है ओके सो चैप्टर थर्टीन में आपको ऑब्जेक्टिव सारे करने हैं क्वेश्चन नंबर टू आपको सारा करना है क्वेश्चन नंबर थ्री में से क्वेश्चन नंबर थ्री में से आपको यहाँ पे क्या दिया गया है डिस्टिंग्विश बिटवीन ये तीन डिस्टिंग्विश बिटवीन करने हैं ओके ऑल थ्री डिस्टिंग्विश बिटवीन इसके अलावा आपको पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी का डेफिनेशन आना चाहिए ओके okay, और बस और क्वेश्चन फोर में से ये एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है तो ये भी आप कर सकते हैं ठीक है और ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब ये पूरा क्वेश्चन टू ही आपको करके जाना है फिर क्वेश्चन चैप्टर फोर्टीन पे आ जाओ अब चैप्टर फोर्टीन में तो भैया एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं बचा है है ना एक्सरसाइज में सब कुछ ही डिलीटेड है तो चैप्टर फोर्टीन में से चैप्टर फोर्टीन का मैं आपको एक ही चीज़ बोलूंगी फुल एक्सरसाइज इज डिलीटेड फुल एक्सरसाइज इज डिलीटेड तो इसका आप जो 2021 का क्वेश्चन बैंक था मैं जब क्वेश्चन बैंक सॉल्व कराऊंगी 2021 का जो क्वेश्चन बैंक था सिर्फ उतना क्वेश्चन बैंक सॉल्व करके जाओ ओनली क्वेश्चन बैंक 2021 के बैच के लिए चैप्टर 14 का जो क्वेश्चन बैंक था सिर्फ वो सॉल्व करके जाओ जनवरी में मैं इसका क्वेश्चन बैंक आपका सोल्यूशन स्टार्ट करने वाली हूँ ठीक है ओके okay. फिर आ जाओ चैप्टर नंबर में चैप्टर नंबर की एक्सरसाइज ओपन करो फटाक से कर लिया चलो मैंने कर लिया ओके okay. आ गए आ जा भाई हाँ आ गया चैप्टर का एंड आ गया ओके okay. तो इसमें देखो इसमें आपको एमसीक्यू सारे करने हैं ओके okay. अभी क्वेश्चन नंबर टू में क्या क्या डिलीटेड है यह आपको नहीं करना है और थ्री और फोर भी आपको नहीं करना है फिर क्वेश्चन थ्री में ये नहीं करना है और फोर फाइव सिक्स नहीं करना है बाकी जो बचा वो सब करना है ठीक है और इधर पे वन से लेके फोर नहीं करना है बाकी फिफ्थ क्वेश्चन बच गया ये करना है अगर आप इतना फॉलो कर लेते हैं बच्चा देखो आपको टोटल कितने डिस्टिंग्विज बिटवीन हो गए प्लस थ्री टोटल तेरह डिस्टिंग्विच बिटवीन आपको पूरे बायोलॉजी में है सारे वन मार्क टू मार्क क्वेश्चन करो डायग्राम्स करो और बॉक्सेस करो और जितने बड़े बड़े क्वेश्चन मैंने टिक कराए सिर्फ उतने कर लो तो आपको ऑटोमेटिकली फिफ्टी प्लस मार्क्स गारंटीड आ जाएंगे जिनका कुछ भी नहीं हुआ है सिर्फ टेक्स्टबुक

चैप्टर्स तो बता ही रही हूँ कि कौन से कौन से चैप्टर्स आप कर सकते हैं उतने चैप्टर करके जाओ यू विल स्कोर डिसेंट मार्क्स आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक तो एक लाइक बटन बटन बनता ही है और सब्सक्राइब क्लिक कर देना ताकि चैनल ग्रो हो सके और बहुत सारे बच्चों तक तो चैनल पहुंच सके न्यू ईयर के पहले अपना टारगेट है फिफ्टी सब्सक्राइबर्स क्रॉस करने का तो जल्दी जल्दी चैनल को सपोर्ट करो आपके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चे आगे जाके कुछ बड़ा काम कर सके सो स्टेट विधि चैनल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो आपके लिए जनवरी में बहुत धमाकेदार सरप्राइजेस आने वाले हैं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है या तो प्ले स्टोर पे जाकर डायरेक्ट टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो फ्री ऐप है और उस पर सर्च करो ज्ञान लैब आपको ग्रुप मिल जाएगा सीईटी का फॉर्म का अभी तक कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया जैसे ही कुछ नोटिफिकेशन आएगा हम आपको अपडेट करेंगे तब तक आप नॉन डिलीटेड सिलेबस के ऊपर फोकस करो बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है रिलैक्स सब अच्छे से हो जाएगा ऑल द बेस्ट एवरीबडी स्टे टून एंड थैंक यू फॉर वॉिंग दिस वीडियो बाय बाय शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल थैंक यू